जनता समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में देवर पर रेप की एफआईआर के बाद भाभी ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसे मारा गया था। पुलिस जांच में पता चला कि पति ने उसकी हत्या की है। जहर देने के बाद 5 दिन तक वह उसके मरने का इंतजार करता रहा। छठवें दिन जब हालत ज्यादा बिगड़ गई तो अस्पताल लेकर पहुंच गया। 3 दिन तक चले इलाज के बाद महिला की मौत हो गई। पुलिस जाँच में यह भी पता चला है कि पति ने पत्नी को छोटे भाई के साथ गलत हालत में देख लिया था। पुलिस ने जब महिला के मायके वालों से पूछताछ की तो देवर और भाभी के अफेयर की बात सामने आई। इसके पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी के साथ देने वाले उसके पिता को भी आरोपी बनाया है। मामला बेलबाग थाना इलाके के भानतलैया चौधरी मोहल्ले का है। 28 साल की महिला को 18 मई को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। महिला ने बयान में कहा था कि देवर ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 20 मई की सुबह महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि आरोपी पिता के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रच रहा था। दोनों उसके साथ मारपीट करने लगे। 13 मई को आरोपी पत्नी को घुमाने बरगी डैम ले गया। वहां गन्ने के जूस में जहर मिलाकर पिला दिया। 5 दिन तक पत्नी को बंद कमरे में रखा, इलाज नहीं कराया। जब यह सुनिश्चित कर लिया गया कि अब पत्नी नहीं बचेगी तो अस्पताल लेकर पहुंच गया। बाप बेटे ने घटना को सुसाइड साबित करने का पूरा प्रयास किया। पुलिस ने कहा कि छोटे भाई के रेप करने से वह मानसिक तनाव में आ गई थी। शर्मिंदगी से उसने जहर खाकर जान दे दी। पिता पुत्र की इस साजिश से पर्दा पीड़ित के पेरेंट्स ने उठाया। परिवार के करीबी लोगों ने भी देवर भाभी के अफेयर की बात बताई। पुलिस ने इस एंगल से जांच की तो सब कुछ साफ हो गया। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।